Subscribe to Daily Times News and don't forget to press the bell icon to get notifications of latest news and updates. आजाद एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का क़याम 5 साल पहले शुरू हुआ। मैं मोहम्मद अलीउद्दीन खाजरी अबुल उलाई और क़याम और इरफुद्दीन साहब ने मिलकर इस काम को शुरू किया। इसका अहम मकसद यह है कि साजाद किराम और दीगर गैर साजाद हजरात के जो ख़त ग़ुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके तालीमी माशी और समाजी मसाइल को हल करने की हम हत्तल मकदूर कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ जो है अहम उनवानात पर सेमिनार और सिम्पोजियम्स भी करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है और दूसरी तरफ मुसलमानों में अदम इत्तेहाद और बेरवी आम है। हत्ता के मुस्लिम नौजवान बच्चे हुक्का सेंटर में नज़र आ रहे हैं, तो उससे मुतासिर होकर मैंने जिस हद तक हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं समझिए। तो आज का उनवान हमने रखा है मिल्लत के उरूज और जवाल के असबाब कुरान और अहादीस की रोशनी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गैदरिंग भी इंटेलेक्चुअल्स के खिताब हो रहे हैं समझिए। और अभी गुज़श्ता हफ्ते 30 दिसंबर को हमने एक सिम्पोजियम रखा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मुस्लिमों से रवाबित और उसने सलूक क्या था, क्योंकि हम अंधेरे में अभी इस्लामी तालीमात से हम वाकफियत नहीं हुई, तो उस मौजू पर इतने मेयारी खिताबात हुए तो उसको हम जो है एक किताबचे की शक्ल में तीनों स्पीकर्स की तकारीर को भी इंशाल्लाह हम शाया करेंगे। और अभी एक इस्लाम साहब एक मिनट, अभी विंटर सीज़न में हमने तकरीबन 40,000 रुपये के ब्लैकेट्स बिला तख़सीस मज़हब व मिल्लत हमने गरीबों में तकसीम किए। तो आजकल बेहसी का मिजाज ऐसा है, हर किस्म का जवाल है सिवाय माशी जवाल के, माशी जवाल नहीं आया, मुसलमान माशी हालत से बहुत ही मुस्तहकम है समझिए। एक एक शादी में डैश सजाने के लिए 10-10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन उन मालदार लोगों को ये तौफीक नहीं हुई कि वे गरीब लोग सर्दी में ठिठक रहे हैं उनको कंबल दें। तो हम अवेकनिंग लाने, मिल्लत में शऊर बेदार करने और सेकुलर जहन के जो अहबाब हैं, जो हमारे भाई हैं, उनसे खुशगवार रवाबित पढ़ते हुए जो फिस्ताई ताकत हैं उनको हम डिथ्रोन करें, ये हमारी कोशिश है। वाकर दवाना अलीम ये सादात एजुकेशन सोसाइटी कायम की गई है ताकि जो सादात घराने के जो लोग हैं, आम तौर पर ये तस्वुर है कि सादात लोगों की कोई जो है ना ज़कात नहीं दी जा सकती उनको, ये तो शरई मसला है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से सादात घराने गुरबत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी माशी हालत बहुत ही पसमानदा है। लिहाजा इस सोसाइटी के ज़रिए यहाँ के ज़िम्मेदार ये चाहते हैं कि उनकी तालीमी और माशी तरक्की के लिए कुछ इकदाम किए जाएँ, चुनाचे मुख्तलिफ तरीक़ों से फ़ंड्स को रेज़ किया जा रहा है और जो ज़रूरतमंद हैं सादात घराने के लोग उनकी तालीमी इमदाद की जा रही है और बहुत ही महदूद पैमाने पर इस वक्त ये काम हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि मिल्लत के जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, साहिब खैर जो लोग हैं, वो लोग इसमें तआवुन करें ताकि जो है सो मुसलमानों में जो सैयद घराने के लोग हैं उनकी जो है ना अच्छे अंदाज में कुछ मदद की जा सके, क्योंकि इस वक्त जो आम हालत मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल है वो भी बहुत ही कमज़ोर है, माशी हालत भी बहुत कमज़ोर है। तो सादात एजुकेशन सोसाइटी ही इसमें बहुत ही यानी कोशिश कर रही है और ख़ास तौर पर हमारे अलीउद्दीन खादरी साहब जो इसके इस तंजीम के रूह रवा हैं, उनकी कोशिशों के नतीजे में शहर के सतह पर काफ़ी काम फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। और मैं दरख्वास्त करता हूं कि दूसरे लोग भी जो है इसमें तआवुन करें ताकि हमारे जो है ना उनका कुछ मदद हो सके वक्त पर, और ख़ास तौर पर सर्दी के ज़माने में ब्लैंड्स की भी तकसीम हमारे आ रही है और जो लोग बीमार होते हैं उनके लिए कुछ दवाओं का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। इस तरीके के मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ तंजीमें कर रही हैं, उसमें सादात सोसाइटी भी अपना जैसा रोल अदा कर रही है। शुक्रिया। यूनिटी जो है हमारे लिए इस्लाम में उलेमा है और उम्मा है, दैट इज़ द पैन इस्लामिक कम्युनिटी। बट देर इज़ ऑल्सो यूनिटी विद मैनकाइंड, बिकॉज द कुरान इज समराइज्ड इन वन सूरा एंड दैट इज़ द फातिहा, द फर्स्ट सूरा ऑफ द कुरान दैट इज़ क्वोटेड इन द फातिहा, इट इज़ गॉड ऑफ ऑल मैनकाइंड।